गढ़वा जिले के कचहरी रोड प्रखंड मुख्यालय के सामने निशुल्क कपड़ा बैंक में भोजपुरी जगत के चर्चित कलाकारों ने निशुल्क कपड़ा बैंक के संचालक शौकत खान से मुलाकात कर गरीबों के हक में हो रहे कार्यों की सराहना की। शौकत खान ने बारी बारी से सभी कलाकारों को बूके भेंट कर सम्मानित किया। बताते चले कि गढ़वा जिले में पिछले 20 दिनों से भोजपुरी फिल्म बबली की बारात की शूटिंग चल रही थी। आज शूटिंग के आखिरी दिन सभी कलाकारों ने 3 बजे समाज सेवी शौकत खान से मुलाकात कर निशुल्क अनेकों बैंक का मुआयना किया। एक माना तो जितना प्रचार प्रसार हो सकला जैसे भैया के रोन स्टार बनले उसी हमनियों कलाकार यहाँ आये हमनियों के कुछ करके दियो ताकि हमनियों के नाम होके ठीक ना। और कोशिश जैसे भैया का है वैसे ही हमारा भी है, शौकत भाई का वैसे ही हमारा भी है कि हम लोग इस गढ़वा जिला को हम लोग जितना ज्यादा नाम ले जाएं, बड़े स्तर पे लेके जाएं। लोकल सपोर्ट बहुत मिला हम उनके, प्रशासन के बहुत बढ़िया मिला, हम सबके आभारी ही कि रोहन इतना प्यार दिली। कोटि कोटि धन्यवाद सभी के, जहाँ तक हमारा आवाज जाता वहाँ सबके हम धन्यवाद कर दनी कि रोहन हम उनके इतना प्यार दिली। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये क्या कहते हैं गरीबों को, सर गरीबों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम कर रहे हैं, गरीबों को बहुत मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हमारा लास्ट डे है झारखंड में, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, पर जाना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय कलाकार शुभम तिवारी ने गीतांश टीवी को बताया कि ऐसे कार्य करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए सर। आज हर आदमी, हर भाई भाई का स्वार्थी है, माँ बाप किसी सिवाय एक माँ और बाप के अलावा दुनिया में ऐसे कोई नहीं होंगे जो आपको स्वार्थ में नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, जो गरीबों के लिए, जो आज हमारे देश की स्थिति है, ऐसी स्थिति में हर आदमी पैसा नोचना चाहता है और ये खुले हाथ लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आप लोग बहुत समझदार हैं, जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त मुझे वो भी समझदार है, जानते हैं कि आज कोई निःशुल्क और मतलब बिना किसी स्वार्थ के अगर किसी के लिए मदद कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मेरी तरफ से जो होगा मैं कोशिश करूंगा कि कपड़ा बैंक या सत्तू बैंक या जो भी ये संस्था तो है नहीं, लेकिन शौकत भाई का पर्सनल जो चल रहा है उसमें कभी भी शुभम तिवारी की जरूरत हो, जो यहाँ आकर मेरे तन मन से जो भी मेरे से होगा एक कलाकार के नाते मैं जरूर करूँगा। वहीं इस फिल्म की नायिका प्रीति शुक्ला ने भी गीतांश टीवी को बताया कि अब शूटिंग का तो समय खत्म हो गया, शूटिंग तो हम लोग कर चुके हैं, 15 से 20 दिन से हम लोग यहाँ पे स्टे किए हुए। और रही बात यहाँ का क्या कहते हैं लोगों का, हम लोग के प्रति प्यार सम्मान बहुत ही अच्छा, हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि इतनी गर्मी में हम लोग जा रहे हैं शूट पे कैसे मैनेज करेंगे, पर लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, तो हम लोग को जो प्रॉब्लम्स आई भी तो हम लोग को पता नहीं चली, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद था लोगों के लिए। वहीं इस फिल्म के निर्देशक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नया एस आर के म्यूजिक ने कहा कि कॉन्सेप्ट अब तो अच्छा है, तो हम लोग एक अच्छी से डील करते हैं। और बाकी हमारे एक पिछला सिनेमा भी उन्होंने ही दिया था और शुभम भैया के लगभग सारे सिनेमा को एस आर के म्यूजिक ने दिया, रिलीज किया, तो उनको लगा होगा कि अच्छा सिनेमा बना रहे हैं तो अच्छी चीज की प्राइस पहले लग जाए। शौकत खान ने सभी कलाकारों को गढ़वा जिले का नाम रोशन करने को लेकर सभी को धन्यवाद दिया। झारखंड आने के लिए चलिए आप सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।